तो हेलो गाइस, मैं आज बनाऊंगी चीज़ बॉल जिसके लिए आपको बॉयल्ड पोटैटो लगेंगे, चीज़ लगेगा एंड 2 से 3 टेबलस्पून मैदा और कॉर्नफ्लावर लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नमक लगेगा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड ओरिगैनो, ये सब चीज़ों से फ्लेवर आएंगे। और देखिए, ये सबसे मेन ब्रेड क्रम्स लगेंगे आपको, ठीक है। तो अभी मेरा आलू बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, तो उसको मैंने सोची मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हाथ से ही होती है, ठीक है। तो इसमें मैं डालूँगी नमक, डालूँगी मतलब सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग मैंने थोड़ी कम डाली थी, मुझे ऐसा लग रहा था, फिर मैंने बाद में और ज़्यादा डाल दी थी भर भर के, कि इससे ही ज़्यादा टेस्ट आता है। मुझे पिज़्ज़ा सीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना, ठीक है। फिर मैंने ओरिगैनो इतना नहीं डाली, एकदम थोड़ा सा ही डाली, इतना ज़्यादा ही अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो फिर उसके बाद 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, 2 से 3 आपके हिसाब से, आप जितना बना रहे हो के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और देखिए, मैंने पहले बताई थी मेरा जो आलू है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, तो उसकी कितनी मेहनत जा रही है आप लोग देख ही सकते हैं, कोई नहीं। फिर अब इसके ना बॉल्स बना लेंगे और बीच में चीज़ डालेंगे, ठीक है। मैंने बॉल बना ली, अभी इसको प्रेस कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा का है मैंने निकाल लूँगी, मैंने एक्स्ट्रा का निकाल दी हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चीज़, ज़्यादा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा ही डाल दी। फिर ऐसे मैं सेकेंड वाला भी बना लूँगी, देखिए ऐसा ही बनाना है आपको, अच्छे से कवर कर देना है कि आपका चीज़ ना दिखे, नहीं तो वो जब आप फ्राई करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा चीज़, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद अभी मैं एक मैजिक करूँगी जिससे मेरे 5 वो बन जाएंगे, नहीं ये मैंने खुद से बनाई हूँ, कोई मैजिक नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, बन गया। अब इसका ना एक पेस्ट टाइप बनाना पड़ता है, जिसमें डिप करेंगे अपन, और उसमें फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे तो वो क्रिस्पी बनेंगे। मैंने जितना भी था कॉर्नफ्लावर वो ले लियो, एंड कॉर्नफ्लावर मैदा दोनों ले लियो, मैदा ज़्यादा डालना, ठीक है आप लोग, मेरा कम हो गया था फिर मैंने बाद में डाल दी थी, फिर मैंने देखे डाल दी। और इसमें बहुत सारा पानी लगेगा और इसका एकदम पतला सा घोल बनाना है, एकदम ज़्यादा पतला पतला गोल, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाली थी, थोड़ी सी सीजनिंग, ठीक है, डाली, और ऊपर से मैं और ओरिगैनो डाल दूँगी इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए, एकदम ऐसा पतला पेस्ट चाहिए आपको भी। इसमें अब मैं डिप करूँगी, मैं डबल कोटिंग वाला बनाऊँगी क्योंकि मुझे एकदम क्रिस्पी चाहिए, मुझे खाने में मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए आप, फिर मैंने इसमें एक बार इसको रोल किया है, फिर मैंने इस पर ये ब्रेड क्रम बहुत अच्छे है यार, अगर आप लोगों को इसका नाम जानना है मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसका नाम, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इसको अच्छे से वो कर लिया था रैप उसमें, अब फिर से मैं इसमें डिप करूँगी, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी अच्छी कोटिंग हो जाएगी, जब अपन इसको फ्राई करेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा खाने, ठीक है। तो ये कर लिया है मैंने, देखिए मैंने एक बना लिया है एंड दूसरा भी, ठीक है, एंड फिर से मैं जादू करूँगी और 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए मेरे पूरे बन गए, अब इसको फ्राई करने की बारी है, एंड आप लोग इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मैंने नहीं करी, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे तेल गर्म हो गया, तेल तो गर्म हो गया, एकदम ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तब डालना, तो आपका ना वो जल्दी जल्दी बन जाएंगे। देखिए मैंने पूरे ही डाल दिए, मुझे डर लग रहा था मेरे पर उड़ ना जाए तेल, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग एकदम जल्दी जल्दी बन रहे हैं, देखिए कुछ ही सेकंड्स में ये हो चुके हैं ब्राउन, ठीक है, ये ब्राउन हो चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए हम लोग फटाक से इसको निकाल ले रहे हैं, इसको निकाल लिए हम लोग ने, ब्राउन हो चुके हैं। तो आप बताओ कैसा टेस्ट, अच्छा टेस्टी बना दिया, बहुत टेस्टी बना, बोलो ना कैसा टेस्ट, चीज़ के साथ मज़ा आएंगे, बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट।